Making money in the stock market is as easy as making chapati in the kitchen, but one should know the process. तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो शब्दों पे हमको ध्यान देना है, प्रोसेस एंड चपाती. जैसा कि हम अपने घर के अंदर देखते हैं कि जब मेरी वाइफ, मेरी माताजी, मेरी सिस्टर रोटियां बनाती है तो उनको पहले पता होता है कितने लोगों के लिए खाना बनना है, कितनी नंबर ऑफ चपाती बनानी है और उस चपाती को बनाने का प्रोसेस क्या है, यानी कि मुझे कितना आटा लेना है, उसमें कितना पानी डालना है और उसको कितनी देर तक गूंथने के बाद, उसको शेप देने के बाद मुझे उसको किस टेम्परेचर पर पकाना है. क्योंकि अगर टेम्परेचर पे ज़्यादा देर रखेंगे तो रोटी खाने लायक नहीं रहेगी. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड इन शेयर मार्केट, कि लोग इस मार्केट में आते हैं, पैसा लगाते हैं बट उनको मालूम नहीं होता है कि इस मार्केट से हमको बाहर कब निकलना है, प्रॉफिट कब बुक करना है. सो फाइनली दिखसे मेरा किस्मत खराब है तो इसलिए मैं पैसा नहीं बना पाता हूँ. सो लक को हम लोग बड़ा इसमें बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं. तो लक इज नथिंग, इज सिंपली इट्स कॉल LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज. यदि हमारे पास करेक्ट नॉलेज है तो दो शब्द ऊपर लिखे हैं, मनी एंड स्टॉक मार्केट. तो इस बिजनेस के अंदर आप पैसा बना सकते हैं यदि आपको प्रोसेस पता है. सो इस प्रोसेस को जानने और समझने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टूल्स हैं इस मार्केट के जो अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेट के ऊपर. सो माय नेम इज हरविंदर माथुर, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर एंड ट्रेनर. मैं इस बिजनेस के अंदर बाय चॉइस बिल्कुल भी नहीं हूं, बाय चांस हूं. क्योंकि बाय चॉइस मुझे आर्मी में जाना था, वही मेरी चॉइस थी, बट ऐसा नहीं हुआ. मैंने अपने करियर को बहुत निचले स्तर से शुरू किया. मैं एक न्यूज़पेपर वेंडर था, लोगों के घरों में अखबार डालता था. तो उस गली से निकलकर दलाल स्ट्रीट तक पहुंचा हूं. तो इसके अंदर कुछ प्लानिंग नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी. जो कर पा रहा था, जैसा कर पा रहा था, समय के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आगे बढ़ता हुआ चलता रहा. इस बीच में मैंने ओबराइज के साथ काम किया, डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ काम किया, पिज़्ज़ा हट के साथ काम किया और बीच में एक छोटा अपना बिजनेस भी किया. इन सारी चीज़ों के बाद समझ में ये आया कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे कोई व्यक्ति ये बता दे ये पैसा बनता कहाँ पर है, क्योंकि सैलरी से तो मैं अमीर नहीं बन सकता. तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पैसा होलसेल में बनता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं मसाले यानी ग्रोसरी को होलसेल में खरीद सकता हूँ, यदि मैं सब्जी को होलसेल में खरीद सकता हूँ, फ्रूट्स को अगर मैं होलसेल में खरीद सकता हूँ तो पक्का है पैसा भी होलसेल में खरीद सकता हूँ. तो ये पैसा होलसेल में कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे खरीदा जाता है. तो इस होलसेल मार्केट का नाम, जैसे कि सब्जी को खरीदने के लिए सब्जी मंडी है, कपड़े को खरीदने के लिए कपड़े की थोक मार्केट है, वैसे ही पैसे को खरीदने के लिए इसकी भी एक थोक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं पैसों की मंडी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जो आप फिगर नीचे देख रहे हैं, आप इसको पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा. ये इस कंपनी का साइज है, यानी कि हमारे इंडिया की GDP का साइज है, जिसको अगर मैं USD में बोलूंगा इट्स लाइक 3.737 trillion USD. ठीक है. सो इतने बड़े बाजार के अंदर मेरे पास बहुत सारे मौके हैं पैसा बनाने के. क्योंकि जब मैं ओबराइज के साथ काम कर रहा था तो बहुत प्राउडली बताता था कि मैं ओबराइज में काम करता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है. जब मैं पिज़्ज़ा हट में था तो पिज़्ज़ा हट में भी बड़े प्राउडली बताता था कि मैं पिज़्ज़ा हट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है. सो आज यदि मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो आज भी मैं बहुत प्राउडली बताता हूँ कि मैं इतने बड़े साइज की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. बात है कि क्या इस मार्केट को सीखा जा सकता है. सो हमको अपने बचपन को याद करना है. यदि मैं बचपन में साइकिल चलाना सीख सकता हूँ, सबसे टफ काम लगता है मुझे वो, दो पहिए पर बिना किसी बैलेंस के मुझे अपने उसको चलाना है, गिरता भी हूँ बढ़ता भी हूँ, लेकिन क्या मैंने साइकिल चलाना छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं. तो यदि मैं साइकिल चला सकता हूँ तो ये साइकोलॉजिकल गेम है और कुछ नहीं है. और चला उसको जब मैं सीख लेता हूँ तो आज मैं zigzag भी चलाता हूँ और मजे की बात है मैं गिरता भी नहीं हूँ. पहली बार जब कंप्यूटर के पास गया तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कोई अकेडमी है जो मुझे सिखा रही है. एक आदमी पूरे के पूरे शिप को चलाता है जस्ट बिकॉज ऑफ राइट डायरेक्शन,
राइट मेथड, राइट प्रोसेस, जमीन से आसमान में चला जाता हूं राइट प्रोसेस की वजह से। सो माय डियर फ्रेंड्स, शेयर मार्केट भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, जहाज उड़ाने जैसा, साइकिल चलाने जैसा, इससे ज्यादा टफ नहीं है। जो आप सीखना चाहेंगे इस मार्केट को, तो ये जितने भी टूल्स हम देख रहे हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए मुझे एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बॉटम से। सबसे नीचे आप देखेंगे nscindia.com, ये एक वो वेबसाइट है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि इंडिया का पोर्टफोलियो आज की डेट में किस तरीके से ड्राइव हो रहा है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, कैसा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव टू फॉलो द ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोफेशनल्स। तो मुझे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मुझे इनोवेशन की नहीं, डिस्कवरी की जरूरत है। यदि मैं डिस्कवर कर सकता हूं तो मैं जरूर पैसा बना सकता हूं। सेकेंड नंबर पर मुझे यदि ये समझना है कि मुझे किस तरह के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है फालतू। निफ्टी 50, इस टाइटल को याद रखना है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। उस 50 कंपनी में से 5 कंपनी को मुझे सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो इंडियन GDP को चला रही हैं आज की डेट में। तो जब मेरे रथ में घोड़े 50 घोड़े वो लगे हैं जो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, तो मुझे किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसमें बैठना है। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे नीचे से screener.in, ये वो वेबसाइट है जैसा कि shaadi.com आपने सुना होगा। जब मैं किसी परिवार के साथ अपना रिलेशन बनाने जाता हूं तो पहले मैं उसकी तहकीकात करता हूं। तो एग्जैक्टली screener.in जो है वो टूल है जहां पर आप कंपनी के बैलेंस शीट्स, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज, उसका पास्ट, उसका करंट बिजनेस प्लान आप देख सकते हैं, कितना उन्होंने प्लेज किया हुआ है, कितना वो ग्रोथ करने वाले हैं, उनका फोरकास्ट क्या है, जिसके बेसिस पर मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूं। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ हमारे पास। फोर्थ नंबर इज tradingeconomics.com। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो बाइड ऑफ हम लोग, ये सबका नेचर होता है। मैं अलग अलग चैनल्स को देखता हूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज फॉर कंफ्यूज, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिकॉर्ड, वेयर इज द फ्यूचर। मैं कैसे पता करूं फ्यूचर का है? पास्ट है मेरे न्यूज़पेपर में, प्रेजेंट है, बट वेयर इज द फ्यूचर? तो उस फ्यूचर को देखने के लिए मुझे न्यूज़पेपर की नहीं, मुझे tradingeconomics.com की जरूरत है, क्योंकि एक इंटरनेशनल साइट है जिसके ऊपर आपको हर कंट्री का डेटा मिलेगा, उसकी GDP आपको पता होगी, उसका करंट ग्रोथ रेट पता होगा, और आपको उन सारी कंट्रीज का हमारी कंट्री पे क्या असर पड़ने वाला है उसको देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट में रहना चाहिए या मुझे विड्रॉ करना चाहिए। सो वेरी हेल्पफुल वेबसाइट। देन tradingview.com, ये आपके लिए एक स्टेडियम है। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी। तो इस वेबसाइट पर जब जाएंगे, आपको अपना अकाउंट खोलना है, ईमेल आईडी से खुलता है, इसमें आपको एक वर्चुअल अकाउंट मिलता है, उसमें सब कुछ रियल होता है, एवरीथिंग, टाइम, प्राइस, ट्रेडिंग पैटर्न, एवरीथिंग एक्सेप्ट द मनी। उसमें वर्चुअल मनी मिलता है आपको, जो कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होता है। आप इस पर जाकर अपना प्रैक्टिस करें, अपनी साइकोलॉजी को ट्रैक करें कि क्या मैं इसमें पैसा बना पा रहा हूं, नहीं बना पा रहा हूं। यदि आप वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और आपके फिगर्स चेंज हो रहे हैं, चाहे भले ही वो प्लस है या माइनस है, तो ये आप अपने आप को बता सकते हैं कि यस, मैं पैसा बना सकता हूं। एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी एक ऐसा पार्ट है जहां पर इंडिया और सिंगापुर आपस में बिजनेस ट्रेड करते हैं, और इंडिया का मार्केट सिंगापुर के मार्केट से करीब 2.5 घंटे लेट चलता है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि आज सुबह जब मुझे ट्रेड करना है तो मुझे 9:15 बजे मार्केट में नहीं जाना है, मुझे 2.5 घंटे पहले सिंगापुर निफ्टी को चेक करना है वो क्या कर रहा है, जो वो करेगा वो इंडिया करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग। नाउ मार्केट के अंदर जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे खरीदना कब है, वो पैटर्न जो आप बता रहे हैं वो क्या हो सकता है? सो सिंपली, जब बाजार मुस्कुराएगा तो मुझे भी मुस्कुराना है, जब बाजार हाथ उठाएगा तो मुझे भी हाथ उठाना है, सिंपल। तो जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बाजार है, इसे दो ही चीजों पर चलता है, लाल कैंडल, हरा कैंडल। वैसे ही जैसे ट्रैफिक में आप लाल रंग देखते हैं तो रुक जाते हैं, हरा देखते हैं तो चले जाते हैं। तो सिंपली सिंपल फॉर्मेट पे आपको काम करना है। जब भी आपके चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, मैंने लिखा हुआ है यहां पर ड्रॉप बेस रैली,
तो जब भी मार्केट गिरेगा और एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर एक छोटा कैंडल बनाएगा, चाहे वो लाल हो या हरा हो, उसको हम बेस बोलते हैं, और उसके बाद जो थर्ड कैंडल जो बनेगा उसको रैली बोलते हैं। यानी कि बाजार अचानक जब ऊपर जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बेस कैंडल है उस पर्टिकुलर प्राइस पर आपको बाय का ऑर्डर लगाना है। और ये इंडिया में फैसिलिटी है कि आप अपने ब्रोकर को फोन कर एडवांस में बोल सकते हैं, प्राइस 2000 है, आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे 1500 में खरीदना है, इस रेट पर मेरा ऑर्डर आप लगा दें। इसको हम बोलते हैं होलसेल बाइंग, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। ओके, तो जब आप इसकी बाइंग करेंगे तो मुझे बेचना कब है, सेकंड पैटर्न जहां पर लिखा है सेल, पहला कैंडल रेड बनेगा बर्दाश्त करूंगा, दूसरा कैंडल रेड बनेगा इमीजिएटली बाहर निकलूंगा, क्योंकि उसने मुझे बोल दिया है ट्रेंड चेंज हो चुका है और ट्रेंड जो है इस मार्केट का फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड बोलेगा वही मुझे करना है, उसके अलावा मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। सो पॉइंट इज, यदि मुझे इस बिजनेस में रहना है, ये पहले की बातें हैं कि जिस जिसकी उम्र बड़ी होगी उस व्यक्ति को बहुत ज्ञान होगा, जिसकी उम्र छोटी होगी उसके पास ज्ञान नहीं होगा। तो पॉइंट, इस इंटरनेट के जमाने में एक ही चीज कहूंगा, जो ज्येष्ठ है वही श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो श्रेष्ठ है वही ज्येष्ठ है। सो थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, हरविंदर बाथोर।